नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपकी साथ चंद्रमोहन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक्टिव मोड में आ गए हैं, लगातार विभागों में छापेमारी कर रहे हैं, वहां से जानकारी जुटा रहे हैं कि कौन अधिकारी समय पर आए, कौन मंत्री समय पर आए। आज फिर से मुख्यमंत्री ने सचिवालय में छापेमारी की, औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जायजा लिया कि कौन से विभाग के अधिकारी 9:15 तक पहुंच गए हैं, 9:30 तक पहुंच गए हैं, कौन से मंत्री अपने दफ्तर में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि वो लगातार सचिवालय में आकर निरीक्षण करेंगे कि कौन से अधिकारी समय पर आ रहे हैं, कौन से मंत्री समय पर पहुंच रहे हैं, कामकाज कैसा चल रहा है। बीते दिनों भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे और आज भी पहुंच गए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय बीते दिनों पहुंचे थे तो मंत्रियों ने कहा था कि अगर हम समय से नहीं पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री का आदेश है उसका अनुपालन करते हुए समय पर पहुंचेंगे, दफ्तर समय से आएंगे। समय पर दफ्तर आए गए? आप अपने कार्यालय, विभाग के कार्यालय समय पर? हम तो मुख्यमंत्री से मिले भी हैं वहाँ पर। आप सारे मुख्यमंत्री जी के बाद आप 9:30 पहुँच गए? नहीं, गए हैं हम, हो सकता है 10-5 मिनट लेट हुआ होगा, लेकिन हम तो दफ्तर में। मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि सभी लोग को 9:30 पहुँचना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का निर्देश का अच्छा सर पालन होगा और अभी तक जो कभी बेसी हुआ है उसकी भी भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज कई लोग गायब, खुद कहा है कि कई लोग आज गायब पाए गए हैं और 3 दिन आएंगे पर बैठेंगे और 2 दिन इस सचिवालय में बैठेंगे। नहीं, ठीक है, जो निर्देश है उसका अच्छा सा पालन होगा, उसमें कटौती कहीं से गुंजाइश नहीं है। जब जवाबदेही मिली है, काम करने का अवसर मिला है तो उसका 100% निर्वहन किया जाना चाहिए। ये संविधान के हित में है, राज्य के हित में है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उसके हित में। जो लोग नहीं आएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई होगी वो तो होगी ही, मंत्रालय की ओर से भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री इन दिनों औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कामकाज का जायजा ले रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं। यानी वो ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि उनके औचक निरीक्षण के बाद विभाग में कैसा काम हो रहा है, विभाग के संबंधित मंत्री और अधिकारी लोगों के कामों का निपटारा कैसे कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।